तो मैं अन्नू कपूर हो या कोई और हो, इनको मैं यही कहूंगा कि हाँ ये डर के मारे नहीं बोल पाते थे, वो आज तो गुंडे तो है नहीं। एक अनिल मसर्रत रहता है इंग्लैंड में, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ या कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी मेजबानी पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं करती ब्रिटेन में, वो अनिल मसर्रत का मेहमान होता है। यानी वो अनिल मसर्रत यहाँ पे सोनम कपूर की शादी में सब परिवार आया और 4 दिन रुका, मनी 4 दिन वो यहाँ पे रुका। ऐसे कौन से संबंध है अनिल कपूर के उस ISI एजेंट से कि ये आदमी, इसको शर्म नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये कह रहा कि मुगलों ने ही कश्मीर की खोज की। ये जो मनीष जी सबसे खास बात है, ये हमारे इतिहास के साथ कैसा बेशर्म छेड़छाड़ थी और कांग्रेस की सरकार थी, पिक्चर जो है पास हो गई सेंसर से। तो ये एक पैटर्न था बॉलीवुड का कि हिंदुस्तान के इतिहास से, हिंदुस्तान की संस्कृति से हिंदू गायब करो, सनातन धर्म गायब करो और मुसलमानों को कहीं घुसेड़ दो किसी तरीके से। और वो दाऊद गैंग जो है वो अलग है, और दाऊद गैंग का जो सबसे बड़ा गुर्गा था, जो जिसको कहा जाता था कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड और यानी डी कंपनी के बीच का पुल था, बाबा सिद्दीकी को ही उसने निपटा के एक तरह से एंट्री करी है। तो अभी इसके शुरुआती चिन्ह है, आगे इसके और परिणाम होंगे। तो मैं अन्नू कपूर हो या कोई और हो, इनको मैं यही कहूंगा कि हाँ ये डर के मारे नहीं बोल पाते थे, वो आज तो गुंडे तो है नहीं, ये कोई AK-47 लेके चलते हो। जो गुंडे थे वो दाऊद इब्राहिम के साथ थे, चाहे वो सलमान खान हो और चाहे वो संजय दत्त हो, उनके बकायदे वीडियो कॉल पकड़े गए। अगर 2007-08 के दौर देखिए तो सलमान खान की भी छोटा शकील से टेलीफोनिक बातचीत सामने आई थी और इनकी भी आई थी। तो अब मैं बताता हूँ मनीष जी कि जरा ये क्यों हुए, ये क्यों जाकर वहां पे चरणों में लेट गए और उसको वो कैसे लेटे, इसका एक जरा अब मनीष जी मेरे ट्वीट जो है एक एक करके दिखा दीजिए, तब हम लोग बात करते हैं। एक अनिल, जरा सुन लीजिए कि एक अनिल मसर्रत रहता है इंग्लैंड में, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ या कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी मेजबानी पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं करती ब्रिटेन में, वो अनिल मसर्रत का मेहमान होता है। यानी कमर वाजवा जब गया था तो वो भी अनिल मसर्रत का मेहमान था, और अब वो जो है आसिम मुनीर वो गया है तो वो भी वही उसी का मेहमान बनता है। और उस अनिल मसर्रत के, वो अनिल मसर्रत यहाँ पे सोनम कपूर की शादी में सपरिवार आया और 4 दिन रुका, मनीष जी 4 दिन वो यहाँ पे रुका। ऐसे कौन से संबंध है अनिल कपूर के उस ISI एजेंट से। और अभी जब आपको मनीष जी फोटो दिखाएंगे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, जरा फोटो देख लीजिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। बिल्कुल सर, कमाल की बात यह कि आपने बहुत बारीक चीज कही, मतलब अन्नू कपूर डर के मारे, इसलिए नहीं कि जान जाने का डर, इसलिए भी कि फिल्में नहीं मिलती ना, बॉलीवुड से बाहर हो जाता है। जैसे अभी हमने पीछे आपको एक वीडियो भेजा था जो गोविंदा ने जो कहा है कि कैसे उसको गायब किया गया, कैसे फिल्मों से अनुराधा पोडवाल को गायब किया गया, तो यदि इसीलिए इन सबका डर था तो आपको क्या लग रहा है अमिताभ बच्चन आज जो बड़ा बन रहे हैं, अमिताभ से ये काम क्यों करवाया गया? जरा एक एक चीज में, हम लोग दीवार की चर्चा तो खूब करते हैं, हम लोग शोले की चर्चा करते हैं, लेकिन ये फिल्म लोग भूल जाते हैं कि मुगल का महिमा मंडन कैसे सलीम जावेद अमिताभ बच्चन से करवा रहा है। जरा सुनिए, एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई मुगलाई खाना। देखिए इस शरारत को देखिए, ये सब कुछ बता गया और अंत में उसे मजाक टाइप का करा, मुगलाई खाना। मतलब हमारी संस्कृति पर मुगल का प्रभाव। अमिताभ को क्यों इस तरह से इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर अमिताभ का इस्तेमाल क्यों हो रहा था सर? मैंने, ये कांग्रेसी गुर्गा था, कांग्रेस के टुकड़ों पर पल्ला था और इसको कांग्रेस ने ही सुपरस्टार बनाया। मैं बार बार कहता हूँ, लोगों कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये आदमी, इसको शर्म नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये कह रहा कि मुगलों ने ही कश्मीर की खोज की। ये जो मनीष जी सबसे खास बात है, ये हमारे इतिहास के साथ कैसा बेशर्म छेड़छाड़ थी और कांग्रेस की सरकार थी, पिक्चर जो है पास हो गई सेंसर से। और तो गाना चलिए गाता रहता, मुगलई खाना फलाना ढिमाका, इसने उस वीडियो को दर्शक दोबारा सुन लेंगे कि वो कह रहा है कि कश्मीर की खोज मुगलों ने की, यानी उससे पहले कोई कश्मीर जानता नहीं था। ये इसके क्या कहूं इसको, इसके लिए निकलेगा मुंह से कि आज से 1000 साल पहले राज तरंगिणी जो है वो पूरा ग्रंथ वहीं के लिए लिखा गया, वहां पर पूरा उसका, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर का क्या इतिहास था। वहां शंकराचार्य का मंदिर है और इस मूर्ख को, लंबू को, ये कह रहा कि अरे वहां तो मुगलों, कश्मीर ने मुगलों की खोज की। तो ये एक पैटर्न था बॉलीवुड का,
कि हिंदुस्तान के इतिहास से, हिंदुस्तान की संस्कृति से हिंदू गायब करो, सनातन धर्म गायब करो और मुसलमानों को कहीं घुसेड़ दो किसी तरीके से। तो आज इसका एक बहुत मनीष जी ने बहुत बढ़िया क्लिप दिखाई कि आप जरा गौर करिए कि वो बातचीत में कर रहा है, वो कहीं आपको इतिहास के ज्ञान देने के उसमें नहीं है, वो बातचीत में कर रहा कि कश्मीर का जो है, कश्मीर की खोज मुगलों ने की और खाना तो यानी जब मुगल आए तब हिंदुस्तान खाना पीना जाना, उससे पहले इसके बाप दादे भूखों मरते थे, भीख मांगते थे और भीख में भी कोई घास हाथ खाते थे, अन्यथा मुगलों से पहले यहाँ कोई खाना नहीं था। तो इतने ज्यादा हराम जदगी इस बॉलीवुड ने हिंदुस्तान के खिलाफ, एक तरह से जिहाद जो हम लोगों ने शब्द दिया है वो फिल्म जिहाद ही था जिसको बोया था यहाँ पे फिल्म सलीम जावेद और जावेद खान ने, जावेद जो है, और उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया इसका एक बेहतरीन नमूना आपके सामने ये है। बिल्कुल, ये चौंकाने से मुझे भैया कई बार चौंकाता है अमिताभ बच्चन, चूंकि अमिताभ बच्चन स्टार हो चुका हुआ था, उसके मुंह से जब आप कुछ झूठ कहलवाते हैं, देखिए कितना सलीके से कि गौतिप पड़ा है लेकिन दिलो दिमाग में डाल दिया आम हिंदुस्तानी की कि कश्मीर की खोज तो मुगलों ने। अब मैं बताता हूँ मनीष जी, जरा लोग दर्शक कहेंगे कि कोई सुपर स्टार किसी को कैसे बना सकता है, तो अभी मैं बता, अभी आपकी समझ में आ जाएगा और मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि राजेश खन्ना चरम पर हुआ करते थे और राजेश खन्ना के बाद ये आदमी आया, और वो आपको राजेश खन्ना के भी बारे में पता चल जाएगा और वैसे भी पता कर लीजिए कि ये जिन दो फिल्मों ने इसको सुपर स्टार बनाया, वो दोनों फिल्में जो डायरेक्टर थे प्रोड्यूसर थे उन्होंने राजेश खन्ना को वो ऑफर की थी, चाहे वो जंजीर हो और चाहे वो दीवार हो, लेकिन राजेश खन्ना ने जंजीर खुद बना कर दी और दीवार से उसको निकलवाया लड़ झगड़ के सलीम जावेद ने। ये इनके जरा करतूत समझ लीजिए, जबकि इनको वो बड़े एहसान थे राजेश खन्ना के, वो अलग कहानी है। लेकिन उस समय मीडिया के नाम पर केवल सरकारी मीडिया होता था, जो दूरदर्शन या रेडियो वो सरकार के होते थे और जो अखबार छप रहे थे तो वो अलग कहानी है, जो आप लोग मित्रों की नार का भी बता चुके हैं कि वो 17,000 कैसे आर्टिकल छपते थे और कैसे हिंदुस्तान के 10 बड़े अखबारों के संपादक नियमित रकम लेते थे रूस से, तो वो उनके हिसाब से एजेंडा चलता था। और 1973 के उससे पहले इसकी कम से कम 1.5 दर्जन फिल्में फ्लॉप हुई है मनीष जी, इसी अमिताभ बच्चन की बुरी तरह से, और उसके बाद इसको ऐसा ताना गया कि ये हीरो सुपर स्टार आ गया, फलाना आ गया, धमाका आ गया। और उसका एक उदाहरण कि कैसे यहाँ पे स्थापित किया जाता है कि सलमान खान जिसके ऊपर आज की तारीख में डंडा चल रहा है, उसको मनीष जी कोई वो एक्टर है, उसके अंदर एक्टिंग का कोई कीटाणु नहीं, बौना तो फिर भी कुछ ठीक ठाक एक्टर है, ये तो बौने की भी पैर की धूल नहीं है, किसी बड़े महान कलाकार से तो बात करना दूर की बात है। और वो आदमी एक छत्र राज कर रहा था इस बॉलीवुड पे कि गजब का एक्टर, वो आ गई पिक्चर तो पहले दिन 100 करोड़ और 200 करोड़ ये पूरा नाटक बना, तो उसको जबकि आज की तारीख में तो बड़े साधन है, उसके बावजूद उसको कैसे प्लांट कर दिया दाऊद इब्राहिम ने, ये आपकी समझ ही नहीं आया। तो उस दौर में तो बड़ा सरल था, सब कुछ सरकारी मीडिया था, तो क्योंकि मैंने वो दौर याद है मुझको कि किस तरह से राजेश खन्ना को किस तरह से राक्षस की तरह पोर्ट्रेट करने लगी थी मीडिया और इसको हीरो बना के शुरू किया गया, तो ये फिर ये चल गया, तना रहा उसके वजह से, और इससे क्या काम कराना था ये भी आपने देखा, ये उसी तरह के एजेंडे करता रहा, ये बाकायदे पूरे मुस्लिम एजेंडे चलता रहा। तो ये अपने आप को बेच कर इसने किस तरह से देश के साथ घात किया है, इस आदमी से मुझको घृणा है मनीष जी। और इस आदमी का बहुत बढ़िया चरित्र आपको अमर सिंह वैसे बताते रहे, वो एक अलग मामला है। तो ये जो आज की तारीख में कुछ लोग केबीसी एबीसी देखते हैं, जो आज की नौजवान पीढ़ी है उसको पुराना इतिहास ही नहीं मालूम। तो जब सलमान खान को इस देश में 20 साल सुपरस्टार बनाकर दाऊद इब्राहिम ठोक सकता है, तो फिर ये तो अमिताभ बच्चन था, इसको मीडिया के बदौलत यहाँ पे कांग्रेस ने किस तरह थोपा ये सबने देखा है। लेकिन जो 90 के बाद की कहानी है मनीष जी, वो जरा अब दर्शकों को दिखा दीजिए वो ट्वीट जो है, कि आपको समझ में आएगा कि कितनी बुरी तरह से बॉलीवुड पाकिस्तान के पैरों में लूट रहा था, पैरों में। यहाँ ये इसी शुरू हुई, उससे पहले मैंने जी पांच नंबर ट्वीट दिखाई, शुरू वाला दिखाइए, उसके बाद फिर इस पे आते हैं जो पांचवा ट्वीट, हाँ इससे इसके ऊपर वाला जो है इसी के नीचे होगा, यही पांच नंबर है, उसके बाद यही है जो अच्छा ये इसको जरा दर्शक समझ ले कि ये टोनी असाही नाम है इसके साथ, ये हकले के साथ और हकले की बीवी के साथ,
ये दोनों इनके साथ वो छुट्टियां मना रहा, तो समझ लीजिए कितने घनिष्ठ संबंध है। और अब इसका जरा सच समझिए कि ये सच अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है कि ISI और दाऊद इब्राहिम का सबसे महत्वपूर्ण गुर्गा टोनी एसाई फिल्म स्टार शाहरुख खान का सबसे खास दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है, जबकि एक आर्किटेक्ट की नकाब में ये अमेरिका में कश्मीर के अलगाववादियों आतंकवादियों का भोपू बनता रहा है। पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ बहुत जहरीले ट्वीट करता था। सोशल मीडिया में हकले के साथ गहरी दोस्ती जब उजागर हुई तो ये पुराने ट्वीट और अकाउंट अपना डिलीट करके भाग गया था। अब पता नहीं दोबारा इसने खोला है कि नहीं। तो आप इसको, इस आदमी को समझ सकते हैं, ये मनीष जी अलगाववादी है, कश्मीर से भागा और वहां अमेरिका में जाके बसा, ये तो कश्मीरी है और कश्मीर में जाकर वहां ISI की आवाज बन गया और इसके ट्वीट को भी डिलीट करके भाग गया है, तो वो आपको मिलेगा नहीं। अन्यथा ये सिवाय नरेंद्र मोदी और भाजपा और RSS इनके खिलाफ जहरीले ट्वीट करने के अलावा इसका कोई धंधा नहीं था। वहां से बैठकर ही भारत के खिलाफ आग उगलता था, जहर उगलता था। और वो इसका कितना खास था हकले का, जरा सोच लीजिए कि इसके साथ तो फोटो फोटो और साथ में इसकी बीवी के साथ, जरा बीवी वाली दिखा दीजिए जो इसी बगल में लगी है, ये मियां बीवी कितने उसके तरह, जरा आप संबंध आप समझ लीजिए कि कितना करीबी था ये हकले का। और उस हकले को इस देश ने ढोया, तो देश ने नहीं ढोया, बड़ा प्लांटेड तरीके से जो दाऊद इब्राहिम का पूरा सिस्टम था यहाँ पर कि किसी दूसरे को मौका ही नहीं देना है, कोई दूसरी फिल्म आनी ही नहीं है, ये हीरो बनेगा तो यही बनेगा। और उस भाई में थर थर कांप रहा था बॉलीवुड, तो ये इनका नंगनाच ये चलता रहा। अन्यथा टोनी एसाई जैसा गद्दार एक हिंदुस्तानी आदमी जिसको देश से प्यार हो, देश के संस्कृति से प्यार हो, वो इसको इसकी शक्ल ना देखता, इसके मुंह पे थूकता नहीं, और वो किस तरह से देखिए इसका घरेलू मित्र था, तो ये टोनी एसाई है। अब जरा और आगे चलिए मनीष जी, इनकी कहानी तो बड़ी लंबी, फिर आगे बता दो। हकले ने बाद में सफाई दी कि मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं। अब जरा ये देखिए मनीष जी, ये है अनिल मसर्रत, इसमें भी हकला है जी। ये अनिल मसर्रत जो है ISI का सबसे बड़ा एजेंट ब्रिटेन के अंदर है, ये दर्शक समझ लें। और ये आदमी ब्रिटेन में उद्योगपति के नकाब में रहता है और वहां पर पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर या ये देखिए मीठा, और ये सारी फोटो है इसके लड़की की शादी की है। ये मैं बता दूं कि जब इसकी लड़की की शादी हुई वहां ब्रिटेन में इसने की, तो पूरा बॉलीवुड वहां नाचने गाने चला गया। ये आप गौर करिए, ये वहां पे ये जो मीठा है ये वहां अगवानी कर रहा था मेहमानों की अगवानी में, ये नागिन डांस कर रहा है, ये रणवीर सिंह, ये जरा गौर करिए आप, ये उसकी लड़की की शादी में नाच रहा था। तो आप इनको क्या कहूं, इनको ये नागिन डांस कर रहा है, ये बुढ़ा जो साथ में खड़ा, ये अनिल मसर्रत यही है जिसके साथ ये नागिन डांस कर रहा है। तो बॉलीवुड को एक ISI एजेंट के लड़की की शादी और वहां जाकर पूरा बेशर्म बॉलीवुड नाच रहा था कि ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकता के साथ रह रहे पाकिस्तान के ब्रिटेन में सबसे बड़े ISI एजेंट बॉलीवुड के सितारे नाचने गाने पहुंचे उस पाकिस्तानी एजेंट की बेटी की शादी के जश्न में। रणवीर सिंह नागिन डांस कर रहा था पाकिस्तान, और वो करण जौहर उसकी स्वागत कर रहा था। तो आप जरा बॉलीवुड के एक ISI एजेंट के साथ रिश्तों को समझ लीजिए। अब ये पुरानी जब हुई थी तब की ये कहानी है, जरा और चलते जाइए आपको जरा मजेदार इसमें आपको मिलेगा। ये देखिए पहले ट्वीट पढ़वा दीजिए मनीष जी, फिर मैं बताता हूं। ये अनिल मसर्रत ब्रिटेन में पाकिस्तानी दूतावास के बजाय पाकिस्तानी आर्मी चीफ का मेजबान होता है। 2019 वर्ल्ड कप देखने के कमर बाजवा का मेजबान वही था, देखे वीडियो में काले चश्मे में। और वर्तमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी मेजबानी वही करता है। तो जरा पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगर जिसका मेहमान बनता है, तो सोच लीजिए कितना वो पाकिस्तान का विश्वसनीय, किस तरह के उसके संबंध है। तो ये आप देखिए, ये उनके साथ फोटो है कमर बाजवा के साथ। और ये केवल फोटो नहीं, मैंने इसीलिए वीडियो डाला है, वीडियो में आपको नजर आ जाएगा काला चश्मा लगाया है ये अनिल मसर्रत। उस ये आसिम मुनीर के साथ इसकी फोटो है जब वो बन गया। और ये देखिए, हाँ वो काले चश्मा वो है,
पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो अब आप सोचिए कि ये आदमी इंग्लैंड में एक दूतावास छोड़कर किसी और आदमी के घर पे रहता है तो कितना सेफ समझता है अपने आप को उसके यहाँ, और ये आईएसआई एजेंट इसकी बेटी की शादी में पूरा बॉलीवुड वहां नाचने चला गया था। अब जरा और आ गया ये मनीष जी, हाँ ये जरा इनको देखिए, ये सोनम कपूर, इसकी पहले ट्वीट पढ़वा दे मनीष जी, इसकी फोटो तो क्या दिखाना है इसके बारे में, तो फोटो तो कुछ कही रही है। ये किस टाइप की महिला है कि बॉलीवुड में देशघाती जहर, कि हाथ में शराब का जाम लिए इठला रही है बॉलीवुडिया हीरोइन सोनम कपूर। कुछ समय पूर्व कंगना रनौत पर टूट पड़ी थी और ज्ञान देते हुए बोली थी कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो। अब यह भी जान लीजिए कि ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकता के साथ रह रहा पाकिस्तान का ब्रिटेन में सबसे बड़ा आईएसआई एजेंट और पूरी दुनिया में विशेषकर कश्मीर में आतंकवादियों को फाइनेंस करने वाला पाकिस्तानी धन पशु अनिल मसर्रत इसी सोनम कपूर की शादी में शादी का सबसे वीवीआईपी मेहमान बना था और चार दिन तक चली शादी की सभी रस्मों में अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुआ था। जो अनभिज्ञ हैं उपरोक्त खतरनाक सच्चाई से, उनको यह सच बताना और उनका उन तक यह सच पहुंचाना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है मनीष जी। तो ये आदमी इसकी शादी में बंबई आया, चार दिन तक रहा, तो कितने गहरे संबंध होंगे। हम आप मनीष जी किसी मित्र के यहाँ शादी होती तो चार दिन जाके नहीं रुकते, और ये इंग्लैंड से सब परिवार आकर यहाँ ये रुका था। और जरा एक और रिश्ता बता दूं मैं, इसका जो आदमी है वो आहूजा है कोई सोनम कपूर का, वो टोनी असाही का बड़ा करीबी मित्र है। ये एक और रिलेशन आप समझिए, ये पूरा किस तरह से नेक्सस बनता है। और वो टोनी असाही जो आईएसआई एजेंट है और वो कश्मीर के अलगाववादियों का भोंपू बनके अमेरिका में करता रहता अपना हरकत, उसका ये बड़ा परम मित्र है इसका आदमी जो है आहूजा। तो आप ये बॉलीवुड एक तरह से पाकिस्तान का अड्डा बन चुका था, आईएसआई का अड्डा बन चुका था, अन्यथा वो चार चार दिन अगर आके कोई इनकी शादी में रुकता है, ये उसकी शादी में नाचने गाने चले जाते हैं, तो उसके बाद अन्नू कपूर की क्या हैसियत है कि वो आदमी विरोध करता। तो उससे मेरा गुस्सा 5% है, बाकी 95% तो अपनी जान बचा के अपना काम धाम कर रहा था। अब उसको लगा कि अब यहाँ पर वो काम खत्म हुआ है, और उसके जान पे भी बनाई थी, उसको भी अभी धमकी मिली थी मेरे ख्याल से, वो कौन सी उसने पिक्चर बनाई 12 हम दो हमारे 12 वाले करके, तो उससे भी उसको धमकी मिली है। तो अब उसका मुंह खुला है, अन्यथा 65 साल तक वो भी चुप रहा, तो वैसे ही बहुत से लोग चुप रहे, क्योंकि तो वो दाऊद इब्राहिम की तरह AK-47 लेकर फिल्मी हीरो नहीं चलते, नाचने गाने वाले लोग हैं, वो कहां जाके लड़ेंगे। तो ये है इनकी असलियत। लेकिन अन्नू कपूर ने एक बार फिर से बोलकर इस बात को हवा दी, और मैं तो कह रहा हूं मैंने ट्विटर पर डाला है, आप इस बात को पहुंचाइए लोगों तक, ये बॉलीवुड की असलियत और कैसा देशघाती चेहरा। ये जो अनिल मसर्रत की कहानी है या जो टोनी असाही की कहानी है, ये केवल कोई ऐसा नहीं कि कोई आरोप है, ये देशघाती कुकर्म है। ये ऐसा थोड़ी कि इनको मालूम नहीं है, ये सब जानते बूझते हुए तो। और ये मेरे ख्याल से ये भी वही दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है, क्योंकि वो आईएसआई एजेंट वहां बैठा है ब्रिटेन में, दाऊद के उसके साथ संबंध होंगे, तो ये इन्होंने काम किया है। मुझे लगता है कि इतने बेहतरीन तरीके से जो आपने पूरी गहराई से बॉलीवुड का सच बताया है, और जो हम लोग लगातार कह रहे थे इस खेल को कैसे स्टार बनाया जाता है।